आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया, आपके साथ मैं हूं मोहिनी कुशवाहा। बात करते हैं पंजाब की। मोगा विजिलेंस विभाग ने मोगा सरकारी आईटीआई कॉलेज के सुपरिटेंडेंट जसवीर सिंह को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि प्राइवेट आईटीआई कॉलेज की ओर से रिश्वत लेकर बच्चों के पेपर दिलाने की शिकायत की गई थी, जिस पर कार्यवाही करते हुए टीमों ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आइए सुनाते हैं आपको डीएसपी पलविंदर सिंह को और शिकायतकर्ता नरेंद्र सिंह को। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਰਕੀ ਪੇਪਰ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਆਈ ਟੀ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 40,000 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 20,000 ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਮੋਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਉਹ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਆਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਮੋਗਾ ਮੇ ਹਮਾਰੇ 164 ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਪਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਵਹੀਂ ਪਰ ਪੋਸਟਡ ਹੈ ਉਹ ਸੁਬਲੈਂਟ ਲਗਾ ਹੁਆ ਹੈ। उन बच्चों को पर प्रेशर को हमारे पर बना रहे कि आपका इंस्टीट्यूट बंद करा देंगे, आपके बच्चों को हम फेल करा देंगे अगर आपने हमको पैसे ना दिए। आप बच्चों से काफ़ी फीस लेते हैं, हमें इसके बदले में 40,000 रुपया दिए। जो ये पेपर 5 तारीख से शुरू होकर 12 तारीख तक चल रहे थे और 5 तारीख को उन्होंने 20,000 पहले ले लिया, 20,000 अभी उन्होंने पेंडिंग था, तो वो उस हमारे पास आए। हमने उस उनकी कंप्लेंट पे केस करके सरकारी गवाहों को साथ लेकर उसको जो है अरेस्ट कर लिया है और अगले हफ्ते उनसे रिकवरी जो है 20,000 की वो करवा दी। तो आज पेपर था बच्चों का सर? आज पेपर था 10 बजे। अच्छा, तो हमने उनको 9:30 बजे जो है रास्ते में ही पकड़ लिया। कितने पैसे? 20,000। तो किस एवरेज में पैसे मांगे गए थे सर? वो पेपर कराने के लिए बच्चों को, अभी तो उनका जो इंस्टीट्यूट है आपका बंद हो जाएगा, तो सभी बच्चों का जड़ मारा है। ये थी मोगा से विपिन उंगारा की रिपोर्ट, आप देखते रहे वॉइस ऑफ इंडिया।